बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। आपका भी बाल बच्चा का सवाल है और झारखंड के नौजवान शिक्षित बेरोजगार लोगों का सवाल है, इसी लेकर के आप तमाम जितने भी व्यवसाय से जुड़े हुए तमाम लोग से आप उन लोग से विनती करना चाहते हैं कि स्थानीय नीति के आधार पे यहाँ पे नियोजन नीति तय किया जाए और आरक्षण नीति को झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, ना कि बाहरों के लिए। झारखंड को चरगाह ना बनाया जाए, नहीं तो फिर हम लोग जवाब देने का। बंद रहेगा, बंद रहेगा, अब तुमको बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, अब तुमको बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। आज हम लोगों ने सरकार की गलत नियोजन नीति को साठ साल आए हैं, आज इसके विरोध धीरे धीरे जो है आज हम लोग बसाल जुलूस के माध्यम से कल हम लोग 1 अप्रैल को पूरा संताल परिवार बंदी का आह्वान किया है। देखिए आज हम लोगों बसाल जुलूस के माध्यम से पूरा बाजार को सभी जितने भी व्यवसाय लोग हैं, गाड़ी वाले हैं, स्कूल वाले हैं, जितने भी लोग हैं सारे लोग से आज हम लोग आह्वान करने वाले हैं, उन लोगों से समर्थन मांगने वाले हैं मसाल जुलूस के माध्यम से कि आपका भी बाल बच्चा का सवाल है और झारखंड के नौजवान शिक्षित बेरोजगार लोगों का सवाल है, इसी लेकर के आप तमाम जितने भी व्यवसाय से जुड़े हुए तमाम लोग से आप उन लोग से विनती करना चाहते हैं, सामाजिक संगठनों से विनती करना चाहिए, आप लोग इस दल के 1 अप्रैल का बंदी को 60-40 का जो गलत नीति सरकार का गलत नियोजन नीति के कारण हम लोग कल पूरा संथाल परगना का बंदी का आह्वान किया है, उसमें समर्थन को लेकर के हम लोगों ने आज मसाल जुलूस निकालने का काम कर रहे हैं। आज इस मसाल जुलूस के माध्यम से सभी वर्ग के व्यवसायियों से हम लोग अपील करना चाहते हैं कि आप भी आए इस आंदोलन में, आपका भी बच्चा है, आपका बच्चा का भी भविष्य, सारे झारखंड के नौजवानों का एक एक नौजवानों का भविष्य के लिए आप लोग भी रोड में आए, इस बंदी को सफल बनाए, इसी के लेकर के आज हम लोग 60-40 के साथ और क्या आप लोगों की मांग 60-40 है और यहाँ पे विभिन्न कई तरह की आपका CUT का मसला है, यहाँ पे आपका कई तरह के जो आपका वैकेंसी है वो नहीं आ पा रही है, इसी सब को लेकर के जब तक नियोजन नीति मेरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक मेरा कोई भी मेरा यहाँ पे नियोजन होने वाला नहीं, कोई भी नौकरी वैकेंसी आने वाला नहीं है, इसी लेकर हम लोग 47 का विरोध कर रहे हैं। स्थानीयता के आधार पर आप लोग चाह रहे हैं? हम लोग खतियानी आधार पर, खतिया जिसका हाथ में खतियान हो वही यहाँ का झारखंड भी हो, खतियान के आधार पर यहाँ का नियोजन नीति को परिवर्तित करे सरकार, कभी 60-40, कभी 1932, कभी 10th और 12th हम लोग को गुमराह कर रहा है, इसी लेकर आज हम लोग बोले कि भाई जिसका हाथ में खतियान है वही झारखंड है, उसी को यहाँ का झारखंड में उसको नौकरी मिलना चाहिए। कल की क्या योजना है? कल हम लोग का एकदम विरोध पूरा संथाल परगना का एकदम दमखम के साथ सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों से हम लोग को समर्थन मिल रहा है, सभी छात्र छात्राओं से हम लोग को समर्थन मिल रहा है, सभी बेरोजगारों के साथ समर्थन मिल रहा है, कल का बेजोड़ का भी रहेगा और सरकार को हम लोग झुकाएंगे, अगर इस सांकेतिक बंदी में भी अगर नहीं झुकता है तो फिर हम लोग आर्थिक नाकाबंदी और आने वाला कल हम लोग खाने पीने तक और सारे विधायक को एरिया से भगाने का भी काम करेंगे। आइए राजेंद्र भाई, आज मसाल जुलूस के माध्यम से सभी हमारे दुकानदार साथियों, हमारे व्यवसाय साथियों, हमारी गाड़ी के साथियों, हमारे व्यवसाय ठेला के जितना भी है, हमारे मजदूर साथियों, हमारे माताएं, हमारे बहनें, हमारे जितने भी दोस्त हैं युवा साथियों से सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि झारखंड के जो नियोजन नीति बनाया है, झारखंड का हम लोग एक ही मांग करते हैं कि खतियान आधारित नियोजन नीति लाए और
यहाँ जो 60-40 का नियोजन नीति सरकार ने किया है, हम लोग पूर्ण उसका विरोध करते हैं। उसी के विरोध में 1 अप्रैल 2023 को हम लोग पूरे संथाल परगना में 6 के 6 जिले में सभी जिले में हम लोग सभी युवा छात्र और यहाँ के झारखंड के तमाम युवा साथियों हम लोग जागरूक हो चुके हैं। और कल हम लोग 60-40 के विरोध में पूरा चक्काबंदी रहेगा और चक्काबंदी में सिर्फ इमरजेंसी यानी हमारे मीडिया बंधु, हमारे एम्बुलेंस, छात्र जिसको एग्जाम देना है उनको, हमारे जो कल खुल के सब्जी रहेंगे सिर्फ उन लोगों को छूट दिया गया है, पहले तो जिला प्रशासन रहेंगे, बाकी सब सब्जी का छूट नहीं है, उन लोगों को बंदी मीडिया बंधु को मैं नमस्कार जनता क्योंकि आप लोग हमारे आवाज़ भी ऊपर ले जा रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं। देखिए कल का जो बंदी है, आप सभी झारखंडवासी इससे पीड़ित हैं, आहत हैं, सब लोग जान रहे हैं कि कैसे नियोजन नीति को लाया गया है। और हम लोग ये चाहते हैं कि स्थानीय नीति के आधार पर यहाँ पे नियोजन नीति तय किया जाए और आरक्षण नीति को भी विचार विमर्श किया जाए ताकि यहाँ के जो नवयुवक हैं, यहाँ के जो झारखंड के मूल निवासी हैं, उन सभी को रोजगार मिले, नौकरी मिले। यहाँ पे कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बाहरियों को यहाँ नौकरी देने का काम किया जाए ताकि हम लोगों के हित में यहाँ पे हो, क्योंकि झारखंड यहाँ के लोगों के लिए हित बनाया गया था। आज जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 740 का नियोजन नीति ला करके थोप दिया गया है जो हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर है। आज हम लोग सांकेतिक बंदी का आह्वान किए हैं, आने वाला समय में हम लोग आर्थिक नकेबंदी करेंगे। सरकार यदि इससे भी नहीं चेताती है तो हम लोग और भी बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को जो है एक एक विधायक को, पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी विधायक को जवाब देने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यहाँ के नवयुवकों को ठगा जा रहा है, यहाँ के लोगों को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे ऐसे नियोजन नीति लाया गया है जो हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि हमेशा झारखंड आज 23 वर्ष होने चला है लेकिन एक नियोजन नीति न स्थानीय नीति बनाया गया है। हर एक लोगों ने यहाँ पे लूटने और घुसने का काम किया है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आज झारखंड पर हर एक लोग, हर एक युवा, हर एक पढ़ा लिखा नौजवान छात्र छात्रा सब अब संविधान का जानकार हो चुका है, हर लोग जान रहा है। सरकार को देखना चाहिए, आसपास का जो राज्य है, तमिलनाडु को देखना चाहिए, छत्तीसगढ़ को, बिहार, बंगाल को देखना चाहिए। बाहर बिहार में लिखा जाता है कि यहाँ का निवासी होना चाहिए, बंगाल में लिखा जाता है कि बंगाल का निवासी होना चाहिए, तो फिर झारखंड को चरगाह क्यों बनाया जा रहा है? झारखंड वासियों को भी ये चाहिए कि भारत का नागरिक हो लेकिन झारखंड का स्थानीय निवासी हो, ऐसा नियोजन नीति यहाँ लाए सरकार, नहीं तो बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। और आने वाला दिन में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, ये सरकार को सुनना होगा, क्योंकि ये झारखंडियों के लिए बना है, ना कि बाहरों के लिए। झारखंड को चरगाह ना बनाया जाए, नहीं तो फिर हम लोग जवाब देने भी जाते हैं। तो चक्का जाम रहेगा कि पूरा बाजार वगैरह भी बंद करा रहे हैं? हम लोग सभी प्राइवेट स्कूलों से, निजी स्कूलों से, छोटा जितना भी छोटा से छोटा दुकानदार है, बिजनेसमैन है, बस मालिक है, सभी से हम लोगों ने निवेदन किया है और समर्थन मांगा है हम लोगों ने। सब लोग, सभी के बच्चे हैं, आप लोग भी किसी न किसी उम्मीद को लेकर के अपने बेटा बेटी को पढ़ा रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि आप लोग मौन समर्थन दें और आप लोग रोड में आने का काम करें ताकि हमारा जो मांग है, हमारे जो अधिकार और हक की जो मांग लड़ाई है, ये हम लोगों को सफलता मिले ताकि आने वाला भविष्य में फिर से ऐसा समय देखने को ना मिले जो आज 740 नियोजन नीति देखा जा रहा है। ये हम लोग आज हम लोग सभी से नम्र निवेदन कर रहे हैं कि सभी लोग, जितने भी झारखंड में युवक है, हमारे संथाल परगना में जितने भी बस मालिक है, सभी से नम्र निवेदन है, सब लोग आप लोग समर्थन दीजिए। आपके भी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनको दिक्कत ना हो भविष्य में।